के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शेयर। बताएं सर। दीप, 20,000 निफ्टी पर मैंने एक छोटा पीएसयू बैंक रिकमेंड किया था। स्टॉक का नाम था इंडियन ओवरसीज बैंक, जो कि वॉलेटिलिटी के चलते 32-34 दोनों जो लेवल्स मैंने सुझाए थे उनमें एंट्री मिली और स्टॉक 2 दिनों में 11% लगभग ऊपर है। अब दूसरा ऐसा ही बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मेरे रडार पर आया है। 43 रुपए 70 पैसे, 43 रुपए 60 पैसे के आसपास के करंट लेवल्स हैं। इसमें खरीदारी करनी है। इसमें आज एक जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करें और अगर कोई 1-2 रुपए का डिप मिल जाए तो वहां पर पोजीशन को ऐड करें। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 40 रुपए का। और दीप, मेरा मानना है कि जिस तरह का ये ब्रेकआउट है, ये 1 से 2 दिन के नजरिए से 48 और 52 रुपए के दो टारगेट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आते हुए नजर आ सकते हैं। पीएसयू बैंकों में जबरदस्त तेजी है। पीएसयू बैंक इंडेक्स रिकॉर्ड हाई पर ब्रेकआउट दे चुका है, तो मुझे लगता है ये स्पेस मिस नहीं करना चाहिए। यहाँ पर काफी अच्छे मौके देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये खरीदने की आती, देखिए 4852 के टारगेट के लिए। ओके, ये आपके लिए। आइए बढ़ते आगे और